सर, एक गाइनिक वार्ड के अंदर एक महिला की मौत हो गई, क्या मामला था? परिजनों ने कई आरोप लगाए हैं हॉस्पिटल प्रशासन पे, डॉक्टरों पर। एक मोलर प्रेगनेंसी थी, 55 ईयर ओल्ड लेडी थी और उसको कल भर्ती किया था। रात को वो चले गए थे, सुबह 9 बजे वापस आए। वापस आने के बाद में उनसे सफाई करने की कंसेंट ली गई और सफाई करने की हम तैयारी कर रहे थे, तब तक वो सडनली जो है पेशेंट कोलैप्स हो गए। तो हमारे क्योंकि सुबह का टाइम था तो राउंड चल रहा था, डॉक्टर्स वगैरह सब वहाँ वार्ड में थे, उन्होंने काफ़ी सारी कोशिश की लेकिन वहाँ से रिवाइव नहीं हो पाई। तो फिर उन्होंने OT में शिफ्ट करके इंट्यूबेट किया पेशेंट को, लेकिन उसके बावजूद भी वो रिवाइव नहीं हो पाया, पेशेंट की डेथ हो गई। उनका आरोप है कि इंजेक्शन लगाते ही तबीयत एकदम बिगड़ गई और उसी समय न तो किसी डॉक्टर ने संभाला, न कोई नर्सिंग कर्मियों ने संभाला। नहीं नहीं वो राउंड पे चल रहे थे, उनकी पेशेंट की कंसेंट लेके इंजेक्शन तो नॉर्मल एंटीबायोटिक और एक बच्चेदानी का मुंह खुलने का वही इंजेक्शन लगाना था, वही लगाया, दूसरे को इंजेक्शन लगाया नहीं। और वो उनको उनसे कंसेंट लेके भी यहाँ BNC करनी है, लेकिन उनकी बेसिकली जो प्रॉब्लम थी वो मोलर प्रेगनेंसी थी और उसमें कभी कभार एम्बोलिज्म टाइप का हो जाता है, तो उसे ये इस तरह के इंसिडेंट हो सकते हैं। बाकी मॉर्निंग का टाइम था, डॉक्टर सभी वहाँ थे, हमारे ये पवन धारीवाल वहाँ था, उसके बाद में फिजिशियन आया वहाँ पे, हमारे रेजिडेंट जो थे वो वहीं पे थे, सभी वहाँ थे, कोई ऐसा नहीं था कि डॉक्टर वहाँ नहीं। उससे पहले भी बता रहे कि 1 महीना पहले और करवाया था, उस समय क्लियर हुआ नहीं, क्या था? नहीं वो वही कह रहा हूँ, मोलर प्रेगनेंसी जो मोल होता है वो बार बार ग्रो करता है, वहाँ से यूट्रस से बार बार ग्रो करता है और वो 1 महीना पहले हुए थे, फिर वापस ग्रो कर दिया, तो वापस आ गए सफाई करने के लिए। तो वो सफाई करके उसको बायोप्सी के लिए भेजना था, लेकिन बदकिस्मती से जो पेशेंट जो है सडनली कोलैप्स हुआ, कारण क्या रहा ये इतना जल्दी करना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ डॉक्टर्स नहीं थे, वो नहीं थे, कोई तरह की लापरवाही नहीं थी। नहीं नहीं वो डॉक्टर क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, उस टाइम राउंड चलता है, डॉक्टर लगभग सभी वहीं रहते हैं, तो वो उनके सामने हुआ और उनको उनसे कंसेंट लेके कि यार BNC करनी है, तो उसकी कंसेंट ली गई थी। परिजन कह रहे हैं कि मौत के बाद भी 1-1.5 घंटे उनको गुमराह किया गया खून लेने के लिए, रिपोर्टों के लिए, जांच के लिए, इसमें कितनी सच्चाई? नहीं ये कोई ऐसा कुछ नहीं, गुमराह करने का कोई है नहीं, क्योंकि अब जब पेशेंट को रिवाइव करने के लिए जो कोशिश डॉक्टर्स की जानी चाहिए थी वो सब OT के अंदर कर ही रहे थे, उनको पेशेंट को इंट्यूबेट किया, कोशिश पूरी की गई लेकिन नहीं रिवाइव हो पाई, तो नहीं हो पाई।